अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आयु, एक पार्ट हमने देख चुके थे जिसमें हमने 5 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए थे एक ही पार्ट में। अब एक दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं और उनको लेके कुछ प्रैक्टिस है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो वो सारे टाइप आज कवर करके इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने पूछे गए हैं जहाँ से भी कहीं से भी और कुछ एक्स्ट्रा भी है वो सारा कवर कर दूंगा और ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा 3 वीडियो में। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा वो प्रैक्टिस वीडियो रहेगा, उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक मैं करवाऊंगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, हो सकता है वो 1 घंटे तक भी चले जाए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल कवर करवा दूंगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज़ और है, मेरे दोस्तों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को प्रैक्टिस करने में, तो आज भले ही मुझे रात जाग के और पूरा आपके लिए बनाना पड़े, लेकिन मैं उसके लिए आपकी PDF तैयार कर दूंगा प्रैक्टिस सेट की, तो उसमें चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही जल्दी वो आपको मिल जाएगी कल या परसों में। ठीक है, प्रोबेबली परसों मिल जाएगी, तो उससे फिर आपको वो PDF आपके पास रहेगी, टॉपिक वाइज आप उसमें क्वेश्चन रहेंगे सारे प्रीवियस ईयर आए हुए MP पुलिस, MPSI और जेल प्रहरी के, उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सारा कुछ तो पढ़ा ही दिया है मैंने, जो जो मतलब टॉपिक हो गए उनकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा और जैसे जैसे होते जाएंगे वो भी आगे प्रोवाइड करते जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं स्क्रीन पे, देखिए। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6, जो कि आपके आयु से रिलेटेड है। इस टाइप में पर्टिकुलर हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें गुना वाली बात की जाती है कि एक ही आयु बी से डबल है, 2 गुना है, 3 गुना है, तो उस गुना वाले पर्टिकुलर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स है, तो टाइम्स में जो एज दे के रखती है उसको हम रेशो में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर देंगे बड़ी आसानी से। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए और बी, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है ना, तो ए की जो आयु है वो बी की आयु की 2 गुनी है। मतलब कि ए की आयु कब आएगी, जब बी की आयु में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ए की आयु आप ए मान लो, ए की एज ए मान लो, बी की एज बी मान लो, तो अगर ए की एज बी का डबल है तो ए बराबर होगा बी इंटू 2। ठीक है, इतना पढ़ा, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक, पूर्ण विराम से पूर्ण विराम तक आपको प्रश्न को पढ़ना है, बड़ी आराम से बताता हूँ। पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, 8 वर्ष पहले। तो अगर यहाँ से 8 साल पहले जाऊँ, 8 साल पहले, तो ए की आयु जो थी वो बी की आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी। ए बराबर था बी इंटू 4, 8 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ए की जो आयु है बी की आयु की 2 गुनी अभी है, तो ये सेंटेंस बना लिया मैंने। उसके बाद में बोला है 8 साल पहले ए की जो आयु थी बी की आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी, तो 8 साल पहले चले गया, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी हो गई। अब बताना है 8 साल बाद बी की आयु कितनी होगी, 8 साल बाद बी की आयु बताना है। देखो मेरी बात सुनो, आज की क्या कंडीशन है प्रेजेंट की, तो आप बोलोगे सर अगर इस बी को नीचे ले आऊँ तो ए अपॉन बी जो होगा वो मेरे पास में यहाँ 2 बचेगा और नीचे कुछ नहीं है तो 1 बनेगा, 2/1 होगा। ये आज की कंडीशन है, ये प्रेजेंट कंडीशन है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, आज की कंडीशन। तो आज की कंडीशन में ए और बी की आयु का जो रेशो है, एज का जो रेशो है वो 2:1 है, तो ये लिख दिया 2:1, ठीक है। अब मेरे पास बोलो 8 साल पहले, तो यहाँ से मैं 8 साल अगर पहले जाऊँगा या 8 साल पहले गया, ठीक है, 8 साल माइनस करूँ, तब ए और बी की एज का रेशो कितना होगा, तो इसको नीचे ले आओ, कितना आएगा, 4/1, 4 यहाँ बचेगा, B नीचे आ गया, 4 के अपॉन में कितना बचेगा, 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये रेशो हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब ये हो गया तो 4:1 यहाँ हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा, 8 साल पहले घटना क्या थी कि इन दोनों का रेशो जो था 4:1 था एज का, ठीक है, इतना क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, आपसे बोला है 8 साल बाद B की एज क्या होगी, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 साल के बाद B की एज क्या होगी, तो आप देखो 4:1 से एज 2:1 होने में कितने साल लगे, 8 साल, मतलब 8 साल यहाँ भी बढ़े और 8 साल यहाँ भी बढ़े। बोलो बात समझ में आई, तो बोलोगे बिल्कुल आई, 8 साल यहाँ भी बढ़े, 8 साल यहाँ भी बढ़े। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो इसमें, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 × 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 × 2, यानी कि 4 − 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 2 बचा, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, 4 − 2 कितना बनेगा, 2 बचेगा। इस 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 और उसका 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 2 पार्ट 8 के बराबर होगा, ये मैंने सिखा दिया कैसे होगा। अब 2 पार्ट अगर 8 के बराबर है तो आप देखोगे 1 पार्ट की वैल्यू, 1 पॉइंट की वैल्यू 4 के बराबर होगी। अगर 1 पॉइंट 4 के बराबर है तो 4 पॉइंट जो होगा वो 16 के बराबर होगा, और 1 पॉइंट तो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है ही सही, मतलब
ए की जो आयु थी 8 साल पहले वो 16 साल थी, और बी की आयु जो थी 8 साल पहले वो 4 साल थी। आपको बी की आयु निकालना है, लेकिन कब निकालना है? तो आपको बी की आयु जो निकालना है वो 8 साल के बाद निकालना है। तो देखो, 8 साल पहले बी 4 साल का था, आज बी कितने का है? तो आप बोलोगे आज बी कितने का है, तो 4 में 8 साल आगे बढ़ा दो, मतलब आज बी 12 साल का है। लेकिन उससे बोला है, उसने क्या पूछा हमसे कि 8 साल बाद बी कितने साल का होगा, तो 8 साल बाद बी कितने साल का होगा। देखो ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं। एक की वैल्यू कितनी थी, यहाँ देखोगे तो 4 थी, एक पॉइंट की वैल्यू 4 थी ना, तो इस भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये 4 साल का कब है, 8 साल पहले जो बी है, ये 8 साल पहले की घटना है ये वाली। तो 8 साल बी पहले बी की वैल्यू कितनी थी, 1, और 1 की वैल्यू 4 है, मतलब 8 साल पहले बी 4 साल का था। तो आज प्रेजेंट में कितने का होगा बी, तो आप इसमें 8 और जोड़ दो, तो ये 12 का आज प्रेजेंट में होगा, पूछिए तो 12 का प्रेजेंट में होगा। और 8 साल के बाद बी की एज पूछिए तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 8 साल बाद आ जाएगी, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज पे लाए आप इसको, 8 और जोड़ देंगे तो 8 साल के बाद बी कितने का होगा, 20 वर्ष का होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 20 साल आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो आपको ठीक से दिख जाएगा, है ना। तो ये 8 साल मैंने जोड़ा, क्लियर है, समझ में आ गया? थोड़ा सा अगर रिवाइंड करके देख लेना, पीछे करके देख लेना अगर नहीं आया हो तो, अल्टीमेटली आ जाएगा, बड़ी आसानी से बताया मैंने, कोई समस्या नहीं है। तो 8 साल के बाद पूछी थी इसलिए 20 साल का होगा, अगर प्रेजेंट एज पूछे तो 12 साल का, अगर पूछे 8 साल पहले कितने का था तो वो एक पॉइंट की वैल्यू 4, खत्म। ए का पूछे तब भी ऐसे ही करना है, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगा कि उतना उधर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ तक कवर नहीं हो रहा है वो ठीक से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे फटाफट से। आज हमारे साथ में कोई है नहीं हेल्प करने वाला, हमको ही करना है सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा आज के दिन, है ना। देखो क्या बोला है, 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। देखो एक रोहित है और एक मोहित है, 10 साल पहले की बात हो रही है, तो 10 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ 10 साल पहले की बात हो रही है, यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट आज, और 10 साल पहले की बात हो रही है तो यहाँ पे 10 साल पहले की बात करेंगे। दो बंदे हैं, एक रोहित है और एक मोहित है। कैसे क्वेश्चन को सेट करूँगा ज़रा ध्यान से देखना, दो बंदे हैं रोहित है और मोहित है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। ये जो रोहित होगा वो मोहित का डबल होगा 10 साल पहले। तो आप बोलोगे इस एम को अगर इधर ले आएँ तो आर अपॉन एम जो होगा 2:1 बनेगा, मतलब रोहित 2 का और मोहित एम का 2:1 है इसका, तो रोहित और मोहित का रेशो कितना हो गया 2:1। ये घटना यही खत्म हो गई, ठीक है। अब देखते अगली लाइन पढ़ के, यदि 10 साल के बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। 10 साल के बाद, यानी कि यहाँ से 10 साल और इसमें जोड़ दें, और बोल रहा है वो रोहित की आयु कितनी हो जाए, 40 साल हो जाए। रोहित कितने साल का हो जाए भाई, 40 साल का हो जाए। तो आपको बताना है रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा, मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, सॉरी, तो यहाँ मोहित कर लेते हैं, 10 साल के बाद मोहित 40 साल का हो जाएगा, तो आपको बताना है कि रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो मेरी बात सुनो, आप क्या बोल रहे हो समझना क्वेश्चन को, दोनों की आयु का अनुपात 2:1 था, कब था, जब ये 10 साल पहले की बात थी। अगर इनको प्रेजेंट में लेके आएंगे, ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से इसको उठाते हैं, इस 40 को उठाते हैं। मोहित की आयु अभी 40 साल का है, मोहित कितने साल का है, 40 साल का। अब देखो इस मोहित को अगर 10 साल पीछे ले जाओगे तो ये प्रेजेंट में पहुंच जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, तुमको मज़े आ जाएंगे क्वेश्चन करने में, बोल रहा हूँ गारंटी, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी किसी ने करवाए ही नहीं होंगे। आप लॉजिक समझो, आप दिमाग को पढ़ो कैसे हमको क्वेश्चन को बनाना है, फालतू की चीज़ों में लगे ही मत। आपको गणित कभी तक आप तक गणित वो पहुंचा ही नहीं जिसको आप, जो सिंपल होता है, आपको हमेशा टफ तरीके बताए गए जिससे आपको लगता है हमेशा कि गणित कठिन है। गणित बहुत आसान है, मैथ्स बहुत ईजी है, आपको उस तरीके से वो तरीके ही नहीं पता आपको कि ईजी क्या है, ठीक है। आप देखो ज़रा ध्यान से, अभी मोहित कितने का है, 40 का। अब मुझे इस मोहित को प्रेजेंट में ले जाना है तो इसको 10 साल पीछे करूँगा, तो 10 साल पीछे करूँगा तो यहाँ 30 का हो गया, फिर और पीछे करना पड़ेगा तो 10 साल और पीछे करूँगा तो यहाँ गया, तो ये कितने का हो गया, 20 का हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये एक पॉइंट की वैल्यू 20 आ गई उठ के, क्या आ गई मेरे दोस्त, एक पॉइंट की वैल्यू 20 आ गई। आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए रोहित की प्रेजेंट एज, तो रोहित की 10 साल पहले एज कितनी होगी, एक पॉइंट की वैल्यू 20 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 40 हो जाएगी। अरे एक पॉइंट की वैल्यू 20 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 40 हो जाएगी, और अगर 10 साल और आगे लोगे तो ये कितने का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा, क्योंकि 40 तो सॉरी 50 साल का हो जाएगा 10 साल आगे लाओगे तो,
क्योंकि अगर 10 साल पहले 40 का है तो 10 साल आगे आओगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा, और प्रेजेंट में 50 का हो गया, बात ही खत्म हो गई। नहीं आया समझ में, आई होप आ गया होगा। तो बंदा जो रोहित होगा वो 50 साल का होगा, बोलो क्लियर है? शेयर ठोक दो जल्दी से, शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो। देखो अब अगले टाइप की बात करते हैं जो कि होगा बिल्कुल मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस मतलब कुछ भी आपके दूसरे भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐड करके औसत वगैरह के वो क्वेश्चन को पूछेगा। देखो कैसे बोल क्या बोल के रखा, पहला क्वेश्चन ही देखो सीधे, 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 27 साल थी। देखो यहाँ घटना किसकी है, 3 साल पहले की, तो माइनस यहाँ प्रेजेंट पे बैठ के मैं सब चीज़ें देखता हूँ, SPRESENT, तो प्रेजेंट पे बैच के सारी चीज़ें देखता हूँ, बैठ के सारी चीज़ें देखता हूँ। देखो जबान में पता नहीं कहाँ जा रही है। ए बी सी की औसत आयु 27 साल थी 3 साल पहले, तो यहाँ 3 साल पहले ए बी सी तीन बंदे हैं, ए बी सी तीन बंदे हैं, और इनकी एवरेज एज औसत आयु 27 साल है, तो ये 27 साल हो गई। ठीक है आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, मतलब इससे भी 5 साल पहले अगर देखें तो इससे भी 5 साल पहले बी और सी की एवरेज एज जो थी वो कितनी थी, 20 साल थी। ठीक है तो आपको क्या बताना है, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो अब मेरी क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है ए बी और सी तीनों की एवरेज एज जो है 27 साल है, औसत आयु 27 साल है। अब मेरी बात सुनना, अगर ये औसत का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, तीन लोगों की अगर औसत आयु 27 साल है तो औसत का मतलब होता है एवरेज, मतलब तीनों की 27 27 27 है, बात समझ में आ रही है भैया। तीन लोगों की अगर औसत आयु 27 साल है तो औसत का मतलब क्या होता है एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है, तीनों के हिस्से में 27 27 है। ठीक है तो ये कब है, 3 साल पहले की घटना है, तो इसको उठा के क्या करो, यहाँ ले आओ, कहाँ ले आओ, 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट में ले आओ। तो आप इसको उठा के प्रेजेंट में ले आए, तो जब प्रेजेंट में ले आओगे तो 3 साल पहले अगर सबकी आयु 27-27 साल थी औसत आयु, तो 3 साल के बाद सबकी आयु में 3-3 साल बढ़ जाएगा, मतलब औसत आयु जो होगी 27 से कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि 3-3 बढ़ गया। तो अभी प्रेजेंट में तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई आ गई होगी। अब मेरी बात सुनो, 3 साल पहले तो यहाँ था, और 3 से भी 2 साल पहले क्या बोला है, क्योंकि उसने क्या बोला है, अल्टीमेटली अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 27 साल और बोला है 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, तो 5 साल मतलब 3 साल तो पीछे चले गए, 2 साल और पीछे जाएंगे, यहाँ से 5 साल, प्रेजेंट से 5 साल पहले, आई बात समझ में, तो यहाँ से 2 साल और पीछे जाएंगे, तो 5 साल पहले इन दोनों की आयु कितनी थी, 20 साल। तो जरा ध्यान से देखना कि बी और सी की एवरेज आयु औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी 5 साल पहले, तो इनको उठा के अगर प्रेजेंट में लाओगे तो इनकी औसत आयु में 5-5 साल बढ़ गए होंगे, 5 साल बढ़ गया होगा, मतलब 20 से कितनी हो जाएगी 25, तो बी और सी की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष होगी। अभी ध्यान से देखना, ये किसकी है, बी एंड सी की एवरेज एज कब है, प्रेजेंट में, और ये किसकी है, ए बी और सी तीनों की एवरेज एज, बोल के कर देंगे क्वेश्चन को, ये भी कब है, प्रेजेंट में, आज की कंडीशन ही है, प्रेजेंट पे आ गए। अब देखो जैसे ही प्रेजेंट पे आ गए तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बी और सी की एवरेज एज कितनी है, 25, मतलब बी और सी के हिस्से में 25-25 आ रहा है, मतलब देखो तीन जने हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर तीनों की औसत आयु 30 वर्ष है, मतलब तीनों के हिस्से में कितना है, 30-30 है। ठीक है तो तीनों के हिस्से में अगर 30-30 है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अगर तीनों की आयु का योग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 30-30-30 यानी कि 90 वर्ष, तीनों की आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है और बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि बी के हिस्से में भी 25 आएगा और सी के हिस्से में भी 25 आएगा, बस दिमाग लगाओ दिमाग, बी के हिस्से में भी 25 आएगा, सी के हिस्से में भी 25 आएगा। अब देखो 25 इसके पास चले गया, 25 इसके पास चले गया, क्योंकि दोनों की एवरेज एज 25 साल थी। ठीक है तो आप देखो टोटल कितने वर्ष चले गए, 25 यहाँ से 25 यहाँ से, 50 वर्ष चले गए, और ओवरऑल जो देखो तीनों की आयु का सम कितना रहा था, 90, 90 में से 50 चले गए, बोलो कितना बचा, तो आप कहेंगे दादा 40 बचेगा। ठीक है तो ए की जो वर्तमान आयु रहेगी वो कितनी होगी, 40 वर्ष, शायद आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में, तो ए की जो वर्तमान आयु आएगी वो आएगी 40 वर्ष। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है अल्टीमेटली ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, ये क्लियर है।
अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आप पीछे करके ज़रूर देख सकते हैं, कोई समस्या का विषय नहीं है, लेकिन ऐसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर ये मुझे समझाने में थोड़ा सा समय लगा है, अगर मैं आपको ऐसे करना होता तो बहुत आसानी से कर देता मैं, ठीक है। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि 3 साल पहले 3 बंदों की एवरेजेस 27 थी, एवरेज का मतलब तीनों के हिस्सों में 27 था, तो 3 साल के बाद क्या होगा, तो तीनों के हिस्सों में 3-3 बढ़ गया, मतलब एवरेज 3 से बढ़ जाएगा, यानी कि 27 से 3 बढ़ के 30 हो गया। अब 3 बंदों की एवरेजेज 30 साल हो गई अभी। अब बोला है 5 साल पहले बी और सी की एवरेजेज कितनी थी, 20 साल थी। अगर 5 साल पहले बी और सी की एवरेजेज कितनी थी, 20 साल, तो आज प्रेजेंट में बी और सी की एवरेजेज कितनी होगी, तो आप बोलोगे 5-5 साल इनमें भी बढ़ जाएंगे सब में, मतलब 25 साल हो जाएगी। तो बी और सी की प्रेजेंट एज का एवरेज 25 वर्ष है, ए बी सी का 30 वर्ष है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तीनों बंदों की एवरेज 30 है, मतलब तीनों के पास 30-30 है, मतलब तीनों की कुल आयु कितनी है, तीनों की कुल आयु हो गई 90 वर्ष। अगर तीनों की कुल आयु 90 वर्ष हो गई, तो आपको पता है बी और सी के पास में क्या है, उनके पास में 25 का एवरेज है दोनों का, मतलब दोनों के पास हिस्से में 25-25 आते हैं। तो अगर दोनों के हिस्से में 25-25 आते हैं, तो 25 और 25 50 हो गए, टोटल अपने पास 90 वर्ष था तीनों की आयु का योग, तो 90 में से 50 गया, तो आप कितना बोलोगे, 40 ही तो बचेगा, तो एक ही जो वर्तमान आयु होगी वो 40 वर्ष होगी। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पिक्चर, आई समझ में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सब कुछ हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप हिंदी की वीडियो देख लो, इंग्लिश की वीडियो देख लो, साइंस की वीडियो देख लो, बेस्ट कंटेंट हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। बस आपसे सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा से कंफ्यूजिंग होंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम होगी, जिनको आप बेसिक तरीके से बना सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जल्दी बन जाएंगे, उसी तरीके से वो जल्दी बन जाएंगे, बेसिक में भी हम बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे उसको, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4th जो आपके पास में दे रखा है वो कुछ इसी प्रकार का है। क्या बोल के रखा है, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यहाँ तक पढ़ा। लेट सपोज पापा की आयु एफ है और बेटे की आयु एस है, तो आपसे क्या बोला है, जो पापा की आयु है वो बेटे की आयु के 3 टाइम से 3 साल ज़्यादा है, मतलब पापा की आयु F बराबर होगा बेटे की आयु के 3 गुना से प्लस 3, 3 गुना से 3 साल ज़्यादा। अब बोला है 3 साल के बाद में क्या होता है, तो 3 साल के बाद में पापा कितने के हो जाएंगे, तो पहले देख लो F प्लस 3 के, ठीक है। और 3 साल के बाद में बेटा कितने का हो जाएगा, तो आप बोलोगे अभी बेटा S का है, तो ये हो जाएगा S प्लस 3 का, बोलो होगा कि नहीं। अब देखो 3 साल बाद घटना क्या बोल रही है, बोल रहा है 3 साल के बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल ज़्यादा है, मतलब ये जो पापा जी होंगे ये बेटा जी के डबल से 10 साल ज़्यादा हो जाएंगे, तो पापा जी बराबर बेटे जी इंटू 2 प्लस 10, ये 3 साल के बाद की घटना है, ठीक है, क्लियर हो गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा फोड़ते हैं, फोड़ते हैं का मतलब सॉल्व करते हैं इसको, तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते, ख़त्म कर दो इसको वहीं। ये कितना हो जाएगा एफ प्लस 3, मन में ही फोड़ लो, ये हो जाएगा कितना 2s प्लस में 6 प्लस में 10, अरे भाई 2s 2 + 6 प्लस में 10, क्या दिक्कत है, कोई समस्या का विषय ही नहीं है। अब देखो आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप ये कहेंगे कि ये 2s को इधर ले आओ, तो f माइनस 2s बराबर में कितना आ जाएगा 10 + 6 = 16, 16 में से 3 उधर जाके गया तो 13, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहली वाली इक्वेशन को में से 3s को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा f माइनस का कितना उधर जाएगा तो 3s और इधर कितना बचेगा 3, तो यहाँ 3 बराबर में। आप देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर घटा दिया जाए, तो अगर आप घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा f प्लस का, f माइनस का है तो कट गया, पापा से पापा कटे, 3s में से 2s जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, तो कितना बचेगा सिर्फ बेटा s बचा, और कितना बनेगा तो 13 में से 3 गया तो बचा 10, मतलब बेटे की आयु अगर पूछता वर्तमान 10 साल थी, लेकिन उसने पूछी पापा की, तो पापा के लिए यहाँ पे चलना पड़ेगा, तो पापा कितने गए, तो पापा जो है f इक्वल टू है 3 × बेटा + 3, ठीक है, आई बस समझ में। और बेटे का निकाल दिया अपन ने 10, तो इनका बेटा 10 साल का है, तो यहाँ पटक दो इसको 10 + 3, s की वैल्यू 10 है ना भैया, रख दी, ये कितना हो जाएगा 30 + 3 = 33, यानी कि पापा हो गए 33 के और बेटे हो गए 10 साल के, मतलब 23 साल में बेटा पैदा कर दिया था इनने, नहीं यही बात समझ में, ठीक है। खैर ये क्वेश्चन था, आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कैसे करना है समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, क्या मेथड लेके चल रहे हैं समझ में आया, बिल्कुल भी उलझना नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नी अगर बन रहा है उसको छोड़ दो फटाक से, अगले पे आ जाओ, ठीक है, बाद में देखेंगे टाइम बचा के आराम से,
क्योंकि हम यूँ भी मैथ्स के 20 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर में करोगे बताओ, कितनी देर में करोगे? 15 मिनट में हो जाएंगे आराम से, और तेज करोगे तो और जल्दी भी हो जाएंगे। मैं करके बताऊँगा, ऐसे बोलूँगा नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके बताऊँगा आपको। अभी प्रैक्टिस पे आने दो, ज़रा सिलेबस हो जाने दो, फिर देखो तुम मज़े। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये एवरेज के ऊपर आ गया वापस से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल के रखा है, तीन व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, मतलब तीन बंदे हैं ए बी और सी, उनका एवरेज कितना है 25 ईयर, औसत आयु 25 वर्ष है। मैंने बताया औसत का मतलब तीनों के हिस्से में 25 25 25 है, औसत पढ़ाऊंगा एवरेज मज़ा आ जाएगा आपको, ऐसे ही कर लेंगे हम हवा में क्वेश्चन को। ठीक है, तो 25 25 25 है। अब बोला है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 5 6 है, तीन व्यक्तियों की औसत आयु 25 25 25 है, 25 वर्ष है। फिर बोला है यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 5 6 है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4 5 और 6, तो बड़े वाले व्यक्ति की आयु बताना। अब मुझे बताओ अगर 25 साल औसत है, इसका मतलब क्या है, तीन बंदे तीनों के हिस्से में 25, तो तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, जब भी औसत में नंबर ऑफ ये जो संख्या रहती है लोगों की, इससे गुणा कर देते तो उनका योग आ जाता है। क्योंकि भैया एवरेज का मतलब क्या हुआ कि तीनों के हिस्से में 25 है, मतलब इसके पास भी 25 है, इसके पास भी 25 साल है, इसके पास भी 25 साल है, तो तीनों की आयु का अगर योग निकालोगे तो कोई बच्चा भी बता देगा पीछे से उठ के, गुल्लू जी 75 होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे 75 होगा, तो अगर इनका योग 75 है तो आप देख लो रेशो का सम कितना रहा है, 5 4 9 और 6 कितना होता है, हमको बचपन में सिखाया गया 15 होता है, मतलब इस 15 की वैल्यू कितनी है 75 ईयर, 15 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार में, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 5 साल, बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू अगर 5 साल आ गई तो आप बोलो बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला कौन है आप में से? ठीक है, सब बड़े वाले हैं, तो ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो ये भैया एक पार्ट की वैल्यू 5 है, तो 6 पार्ट की वैल्यू 30 होगी ना, 5 6 30, तो बड़ा वाला कितने का है 30 का। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो जो बड़े वाले हैं वो 30 के है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये भी निपटा, इसकी भी कथा ख़त्म हुई, आगे देखते हैं और है क्या, देख लेते हैं, चुन चुन के करवाऊँ। अच्छा हाँ, अरे यार ये तो बताना ही भूल गया, ये कमेंट आई थी हमारे पास में, एक्चुअल में दूसरा वाला जो क्वेश्चन था इसका, वो थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लगी उसमें कि वो क्वेश्चन ठीक नहीं जा रहा, मतलब वो उसमें कुछ शायद जो नंबर्स दे रखे हैं वो थोड़े से ऑड है, या फिर वो ठीक से क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, तो वो मैंने लिया नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर ले रहा हूँ। किसने किया है, ये रिया पटेल ने कमेंट किया था, थैंक्स फॉर कमेंट। और ये क्वेश्चन मैंने अभी गुना वाला टाइप आपको बताया ही है, और इसको सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है सॉल्व। तो क्या बोला है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, हिंदी में बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 42 ईयर, मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है, मतलब ए एंड बी का अगर प्रेजेंट एज देखें तो प्रेजेंट एज का जो सम है, सम 42 ईयर है, ये सम दे रखा है ए और बी की प्रेजेंट एज का, मतलब कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 42 साल है ना। एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर विल बी 4:5, मतलब यहां से 6 साल के बाद में, यहाँ से 6 साल के बाद में इन दोनों की एज का रेशो, मतलब ए और बी की एज का रेशो जो होगा, ए और बी की एज का जो रेशो होगा वो हो जाएगा कितना, 4:5, तो ये रेशो हो गया 4:5 ए और बी की एज का रेशो। ठीक है, फिर बोला है द रेशो ऑफ देयर एज बिफोर 4 ईयर, तो अब आपको बताना है, ये तो आपके पास में ये प्रेजेंट एज हो गया, 6 साल के बाद में रेशो ये हो गया, तो आपको बताना है कि 4 साल के पहले इन दोनों की एज का रेशो क्या था। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बोल रहे हो ए और बी की एज का रेशो 42 ईयर है, सॉरी ए और बी की एज का सम जो है 42 ईयर है, लेकिन ये कब है, आज वर्तमान में। अब बोला है 6 साल के बाद में इनका रेशो जो हो जाता है दोनों की एज का, वो 4:5 हो जाता है। मेरी बात सुनो, अगर 6 साल में इसकी प्रेजेंट एज में बढ़ाऊंगा, अगर दोनों की एज का सम, दोनों की आयु का योग अभी 42 साल है, तो 6 साल बाद क्या होगा, पहले वाले बंदे की आयु में भी 6 बढ़ेगा, दूसरे वाले बंदे की आयु में भी 6 साल बढ़ेगा, मतलब टोटल कितना बढ़ जाएगा योग में, दोनों की आयु के सम में कितना बढ़ जाएगा, 6 पहले का और 6 दूसरे का, यानी कि 12 बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसमें 12 बढ़ा देता हूँ, 12 साल बढ़ा देता हूँ, तो 12 साल बढ़ाने के बाद 6 साल बाद आ जाओगे आप, तो 12 साल बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा, 42 में 12 जोड़ोगे 54 आ जाएगा। जैसे ही 54 आया, मतलब कि 6 साल बाद में जो इनका अनुपात बन रहा था, तो 6 साल बाद इनकी आयु का योग जो बनेगा, सम ऑफ द एजेस बनेगा, वो बनेगा 54। तो आप देख लो कि यहाँ पे रेशियो कितना है, 5 4 9, टोटल सम 9 है, और 9 की वैल्यू 54 है, तो अरे शिट, यहाँ पे तो ये मेरे
क्वेश्चन दिखा नहीं आपको, क्लियर है? एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से देखो। आपसे क्या बोला है, ए और बी की आयु का योग जो है 42 साल है, अभी दे दिया। 6 साल बाद इनकी आयु का जो रेशो है वो 4:5 हो जाता है। तो अगर 6 साल बाद की बात करें तो ए की आयु में भी बढ़ेगा 6 और बी की आयु में भी बढ़ेगा, मतलब दोनों की आयु के योग में कितना बढ़ेगा, 12। तो 42 से 12 बढ़ाया तो कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है? तो ये 54 ईयर हो गया। अब देखो यहाँ पे इनकी आयु का रेशो ये है और इनकी आयु का योग 54 है, तो आप क्या बोलेंगे, 5 और 4 अगर देखें तो 9 होता है, और 9 की वैल्यू कितनी होगी, 54। तो बच्चा भी बता देगा, सर 9 से अगर इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अगर एक पॉइंट की वैल्यू 6 है तो जैसे ये वैल्यू यहाँ आई तो यहाँ रख दो, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 4 = 24। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 5 = 30, ठीक है? इनको ले जाओ प्रेजेंट पे उठा के, तो 6 साल कम कर दो तो ये हो गया 18 का, और 6 साल इसमें से कम करेंगे, 6 साल इसमें से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी मैंने, 6 साल कम करेंगे तो 24 होगा ये, ठीक है? थोड़ा सा गलती हो गई, ध्यान रखना, 6 साल अगर इसमें 30 में से कम करेंगे ना तो 24 होगा, मैंने 4 हटा दिया। अब देखो इसको और पीछे ले जाओ, गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, अच्छा रहा वापस से बता दिया, इसको और पीछे ले जाओ, ठीक है? तो इसको 4 साल और पीछे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और इसको 4 साल और पीछे ले जाएंगे तो हो जाएगा 20। अब इसको 2 से काटते हैं 7 बार में, और 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी कि जो रेशो आएगा वो 7:10 आएगा मेरे दोस्त, 11 नहीं आएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर होगा ये पूरा मामला, कभी कभी हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन में प्रॉब्लम आ गई थी, वो आप देख लेना, ये मैंने सही कर दिया यहाँ पे, है ना? तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके बाद में जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो पूरा प्रैक्टिस का होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके करेंगे। अगर मेरे किसी दोस्त को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूँगा, प्रीवियस वीडियो देखिए, बहुत बेसिक से बिल्कुल धरातल से हमने मंजिल बनाना शुरू की है, बिल्कुल आपको आराम से समझ में आएगा, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक कड़ी जुड़ी हुई है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट देखेंगे तो हो सकता है कुछ दिक्कत आए, लेकिन आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।